नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका शेडोल डायरीज यूट्यूब चैनल पे। और अल्टीमेटली पेटीएम वापस आ गया है प्ले स्टोर में। बहुत बहुत इस तरह की जो बड़ी कंपनियां होती हैं, इनकी जो गुडविल होती है, इनकी जो इज़्ज़त की बात होती है, ये बहुत बड़ी चीज़ होती है। और ये जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, ये इस चीज़ को लेके, गुडविल को लेके, अपनी इमेज मार्केट में जो ब्रांड वैल्यू है, इन सब चीज़ को लेके बहुत सेंसिटिव होती हैं, बहुत केयरिंग होती हैं। आप विश्वास नहीं मानेंगे, मैं आज 20 तारीख है और मैं अभी देख रहा हूँ कि अपडेट आया है एक ब्लॉग में। मैंने चेक किया, प्ले स्टोर में अवेलेबल है, लेकिन उस ब्लॉग में ये बोला गया है कि कल ही, यानी कि बंद होने के 4 या 5 घंटे के बाद ही ये वापस आ गया था। मे भी मैं चेक नहीं कर पाया और फिर आज कर रहा हूँ। लेकिन यस, अगर आपको ध्यान हो, आज से 3-4 साल पहले, बल्कि और लगभग 2013 या 14 की बात है, मैगी के बारे में मार्केट में ऐसे ही खबर उड़ी थी। 600-700 करोड़ रुपए का मार्केट क्रैश हो गया था मैगी का। कितनी बड़ी बात है। इन द सेम वे पेटीएम में भी बहुत सारे नेगेटिव्स आ गए होंगे लोगों के माइंड में कि हम तो इतना ट्रांजैक्शन करते हैं, हमारा डेटा का क्या होगा, हम इतने पैसे लेके करते हैं, ऑटो डेबिट होता है, ये सारी चीज़ें हैं। अल्टीमेटली कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन में अल्टरेट करके, उसके बाद उन सब चीज़ों को मान के, अल्टीमेटली गूगल प्ले स्टोर ने वापस रिशेड्यूल कर दिया है पेटीएम को गूगल प्ले स्टोर में। अब रीज़न क्या है वो समझिए। IPL होने वाला है, सभी को मालूम है। इस दौरान बहुत सारे गेम्स एक्टिव हो जाते हैं, सट्टेबाजी वाले। आपने बहुत सारे गेम्स देखे होंगे जो आपको लिंक के थ्रू डाउनलोड करने को बोला जाता है और वो प्ले स्टोर में नहीं होते हैं, क्योंकि प्ले स्टोर, गूगल प्ले स्टोर इंडिया में वो सारी चीज़ें एंटरटेन नहीं कर रहा, प्रमोट नहीं कर रहा, रूल्स एंड रेगुलेशन उसको अलाउ नहीं करते हैं। पेटीएम फर्स्ट गेम्स ऐसा ही कुछ कर रहा था, और पहले भी उसके जितने भी गेम्स हैं, सब में एंट्री के लिए पैसे चाहिए होते थे, आप पैसे जीत सकते थे, ये सारी चीज़ें ऑलरेडी पहले से हो रही थी। और ये जो IPL सीज़न स्टार्ट होने वाला है, इससे रिलेटेड भी बैटलिंग चालू हो गई थी, जो शर्त वाला काम होता है ना, बैट लगा लो, वो सारी चीज़ें चालू हो गई थी। इस कारण गूगल प्ले स्टोर ने आफ्टर रिमाइंडिंग मैनी टाइम्स अल्टीमेटली उसको ब्लॉक किया था। और फिर वो डेफिनेटली जब ब्लॉक हो जाएगा, इतना बड़ा ब्रांड है तो फटी में आ ही जाता है। फिर उसके बाद वो फिर बातें हुई और उसके बाद अगेन वापस रिस्टोर कर दिया गया है गूगल प्ले स्टोर में। अब आगे क्या होगा, आगे जहाँ तक मुझे, मैंने पढ़ा है, अब ये शायद ये जो पेटीएम फर्स्ट गेम है, ये भी गूगल प्ले स्टोर से हटा दिया जाएगा, प्ले स्टोर के ऐप में नहीं मिलेगा, ऐप स्टोर में नहीं मिलेगा। एंड पेटीएम में होगा, ठीक है, लेकिन उसमें पैसे रुपए वाला काम नहीं होना चाहिए, क्लियर इंस्ट्रक्शंस हैं। तो अल्टीमेटली अब पेटीएम के ऊपर डिपेंड करता है कि ये कैसे होता है, या हो सकता है जैसे दूसरे गेम IPL करके है, फिर उसके बाद लूडो भी खिलाया जाता है, ऐसे बहुत सारे ऐप हैं, एग्जैक्टली मुझे नाम नहीं याद आ रहा है, जो प्ले स्टोर में नहीं मिलते, आपको APK फाइल्स के थ्रू डाउनलोड करना होता है और वो डाउनलोड करने के बाद आप खेल पाते हैं। तो मैं भी वैसा ही कुछ होगा, लेट्स सी क्या होगा क्या नहीं होगा, वो तो पता चल जाएगा। लेकिन यस, अभी फ़िलहाल अच्छी न्यूज ये है कि ऑल योर मनी, ऑल योर ट्रांजेक्शन एंड ऑल योर फेथ फॉर पेटीएम इज बैक नाउ। पेटीएम वापस रिस्टोर हो गया है प्ले स्टोर में, तो आप लोग यूज़ कर सकते हैं उसको एज इट इज़, जैसा पहले करते थे वैसा ही। कल रात को ही हो गया है ऐसा सुनने में आ रहा था, मैंने पेटीएम का ट्वीट भी देखा, वो भी कल की डेट का था, तो डेफिनेटली आ ही गया होगा। मे भी मुझे पढ़ने में देर हुई और यहाँ अपडेट करने में देर हुई, लेकिन यस, मेरे जो सब्सक्राइबर्स हैं, अगर उनको पता था तो बहुत अच्छा है, नहीं पता है तो अब पता कर लें। सो थैंक्स अलॉट फॉर नाउ, एंड आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। आपको लगे ये किसी और को भी इन्फॉर्मेशन देने जैसा है, काम का है, तो उनको ज़रूर फॉरवर्ड करें। एंड बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद। ऐसे ही जुड़े रहें, सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन ज़रूर दबाएं। बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद।